कांटी प्रखंड के गोदाई फुलकाहा में बुधवार को वार्ड संख्या 14 में ब्रह्म स्थान व विश्वनाथपुर गांव सहित जोलगम्मा में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत चबूतरा का निर्माण पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने फीता काट कर उद्घाटन किया, जिसकी लगभग लागत 10 लाख से ऊपर से बनाई गई है। अब स्थानीय लोगों को पूजा अर्चना करने के दौरान अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वही पूर्व मंत्री ने कहा कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जहां जरूरत है वहां पर चबूतरा का निर्माण कराया जा रहा है। इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, मुखिया जनकदेव सहनी, सरपंच संजय तिवारी, पूर्व प्रमुख विपिन झा, कमेश्वर राम, शिवचंदा राम, अजय पंडित, महावीर पंडित, सुनील माझी, मोहम्मद अफजल, बबलू ठाकुर, मुन्ना सहनी, राकेश कुमार, प्रोफेसर शशि कुमार, योगेंद्र शाह, मोहम्मद सबीब, अमर मेहता, उमा राय, पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, रामजी सहनी, मकसूद आलम उर्फ फूल बाबू, मोहम्मद खुदादीन अंसारी सहित सैकड़ों सामाजिक एवं राजनीतिक लोग उपस्थित थे। जी, आज गोदाई फुलकाहा पंचायत अंतर्गत ब्रह्म स्थान के निकट और विश्वनाथपुर में ब्रह्म स्थान के निकट और जोलगामा में ब्रह्म स्थान के निकट तीन ब्रह्म स्थान का जो धार्मिक स्थान है, लोग वहां आकर के पूजा पाठ अनुष्ठान करने का काम करते हैं। तीनों जगह चबूतरा का निर्माण कराया गया है, जिसकी प्राकृत लागत तीनों मिलाकर के 10.5 लाख के करीब में आती है। तो हमने निर्णय लिया है कि कहीं भी जो सार्वजनिक स्थान हो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। उसी के तहत हम पहले भी कई दर्जन ब्रह्म स्थान, मलंग स्थान इत्यादि जगहों के पर चबूतरा का निर्माण कराने का काम किए हैं। और एक और काम हो रहा है, पूरे कांटी में जो भी सार्वजनिक स्थल है, लगभग जगह जहाँ दिक्कत है पेका, वहाँ पर चापा कल का निर्माण कराया जा रहा है, जो हम एक दिन खुद आप लोगों के बीच के माध्यम से कांटी के सम्मानित जनता को दिखाने का काम करेंगे। काफी सड़कें के लिए विरोध हो रही है, काफी सड़कें कांटी में खराब है। जितनी भी सड़कें खराब है, तमाम सड़कों की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और 84 सड़कों का DPR बना करके सरकार को समर्पित किया गया है। और आप लोगों को बता दें, 25 जनवरी के लगभग 2 दर्जन सड़कों का हमने स्वीकृति करवाने का काम किया था, लेकिन चूँकि सरकार बदल गई है, अब किस कारण से न जाने सड़कों का जो है स्वीकृति रद्द कर दी गई है। हम लगे हुए हैं। मेरा मानना है कि सड़क जो भी होता है उसमें सभी वर्गों का लोग और सभी पार्टी के लोग चलते हैं और अभियंताओं के अनुशंसा पर बनता है, रिपोर्ट होती है कि कौन सड़क कितना जर्जर है। मुझे नहीं लगता है कि सड़कें निर्माण में किसी तरह की कोई भेदभाव किया जाना चाहिए। हम इसको नहीं मानते हैं और हम जितने भी सड़कों का निर्माण पूर्व में कराए हैं, हर जगह हमने सड़कों का निर्माण कराया है प्राथमिकता देकर। हमने अपने से कोई भेदभाव करने का काम नहीं किया है, लेकिन अगर सरकार के स्तर पर अगर किसी तरह का अगर भेदभाव होता है तो मुझे लगता है कि यह अनुचित बात है। लेकिन हम कांटी के सम्मानित जनता से कहना चाहेंगे कि हम संघर्षरत हैं। कई सड़कें जो महत्वपूर्ण है, आपको दामोदरपुर रेलवे गुमटी वाली जो सड़क है, सो जगदम्बा नगर बैरिया सड़क का, सुरकाही शरीफ जो आने वाली सड़क है, सो कांटी नरसंडा पथ, ये सब 25 जनवरी को स्वीकृत हो चुका था, किसी कारण से रोक दिया गया है। हम संघर्षरत है, निश्चित तौर पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र वह सड़क भी बने। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।